तो बच्चों आज आपके लिए एक प्रॉब्लम लेकर आए हम, इंटीग्रेशन रूट वन माइनस साइन टू एक्स लिमिट जीरो से पाई बाय टू। इस प्रॉब्लम में काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक कैसे, जो मैं आप बताता हूं मिस्टेक कैसे करते हैं वो। इसमें क्या करेंगे हम, जीरो से पाई बाय टू, वन को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स, लिमिट जीरो से पाई बाय टू। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं यहां पर, इसको डायरेक्ट लिखते हैं वो साइन माइनस कॉस, वो क्या करते हैं जी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिमिट जीरो से पाई बाय टू। अब क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, इससे आंसर रॉन्ग आएगा इसका। हम क्या करेंगे यहां पर, इसको साइन माइनस कॉस के बजाय इसको मॉड में लिखना पड़ेगा हमें, मोड में आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तब इसका आंसर सही आएगा। ठीक है, अब जब मोड में आ गया तो इसमें रूल लगेगा ब्रेकअप का। ठीक है, लिमिट ब्रेक होगी। ब्रेक कैसे लिमिट होगी, अब देखो साइन कॉस फंक्शन है, आप टेबल में आपने देखा होगा जब हम जीरो से एंगल स्टार्ट करते हैं तो कॉस वैल्यू बड़ी होती है, मतलब जीरो से लेकर के पाई बाय फोर तक तो कॉस वैल्यू बड़ी होती है, और पाई फोर से पाई बाय टू यहां पर साइन बड़ा होता है। ठीक है, इसमें कॉस बड़ा होता है, इसमें साइन। तो हम क्या करेंगे, लिमिट ब्रेक करेंगे जीरो से पाई बाय फोर, पाई फोर से पाई बाय टू, जीरो से पाई बाय फोर। अब चूंकि इसमें कॉस की वैल्यू बड़ी होती है तो हम लिखेंगे कॉस माइनस साइन, इसको यहां पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और पाई बाय फोर से पाई बाय टू, इसमें साइन की वैल्यू बड़ी होती है तो ये चीज आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट इजीली हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और माइनस साइन का कॉस एक्स, लिमिट जीरो से पाई बाय फोर, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस का माइनस साइन एक्स, और लिमिट पाई बाय फोर से पाई बाय टू। और लिमिट रखेंगे हम पहले एक्स को रिप्लेस करेंगे पाई बाय फोर से, साइन पाई बाय फोर प्लस कॉस पाई बाय फोर, साइन पाई बाय फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर, और माइनस करेंगे इसमें से साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, ये माइनस साइन बाहर रख लो और अंदर और प्लस हो जाएंगे, तो कॉस पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू माइनस कॉस पाई बाई फोर प्लस साइन पाई बाई फोर। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू, तो यह टू अपॉन रूट टू यानी रूट टू मिल जाएगी इसकी वैल्यू सॉल्व करके। साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, ये जीरो होता है ये वन होता है, तो माइनस वन माइनस कॉस पाई बाय टू साइन पाई बाय टू, ये जीरो ये वन, तो वन आएगा यहां पर, वैल्यू सेम आएगी माइनस रूट टू, और सिंप्लीफाई करके इसको रूट टू माइनस वन प्लस टू रूट टू माइनस टू, टू कॉमन लेंगे रूट टू माइनस वन, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा।